हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्य कोटि सम प्रभाव निर्विघ्नम गुरु में देव सर्व कार्याशु सर्वदा ओम गणाधिपतये नमः। तो हम बात करेंगे त्रिपुंड के बारे में और त्रिपुंड कैसे धारण करते हैं, हम उसी विषय में बात करेंगे और वही प्रस्तुत करेंगे। और इसमें जो भी भूल चूक अपराध हो गए हों हमें क्षमा करेंगे आप, और मैं आपको ओरिजिनल चंदन का तिलक कैसे लगते हैं, ओरिजिनल चंदन कैसे होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। दिखाने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जो है कृपा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि भक्ति भावना से या त्रिपुंड से या तिलक से ऐसी कोई भी वीडियो, कोई भी इससे रिलेटेड वीडियो अगर मैं इस YouTube चैनल पर डालता हूं तो वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव भक्तों, सभी शिव भक्तों को इस बार 2 माह का जो है सावन पड़ गया। इस सावन माह का सभी शिव भक्तों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये इस सावन का लास्ट सोमवार है और हम आज चर्चा करेंगे त्रिपुंड के बारे में। त्रिपुंड कैसे लगाते हैं, कैसे धारण करते हैं, इसका महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, त्रिपुंड धारण करने से क्या होता है, हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। और त्रिपुंड धारण करके हम आपस में देखते हैं कि कैसे त्रिपुंड धारण होता है। तो चलिए देखते हैं। पहले बात तो ये जान लें कि मार्केट में कुछ पाउडर मिलता है, जैसे अश्वगंधा है, लाल चंदन है, लेकिन ओरिजिनल चंदन से त्रिपुंड लगाने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, लोकल तो लोकल है, ओरिजिनल त्रिपुंड का एक अलग महत्व है। तो अलग ये देखिए, ये चंदन की लकड़ी है, ये मार्केट में जो है पूजा पाठ के दुकान पे मिल जाता है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है और ये काफ़ी सुगंधित होता है। जब आप इसको खरीदिएगा और इसको अपने नाक के पास लाइएगा तो इसमें से बहुत अच्छा जो है सुगंध आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये लाल चंदन है, चंदन की लकड़ी है, ये थोड़ा लाल है और इससे एक और ज़्यादा लाल होता है। आपको दुकान में 2-3 प्रकार का चंदन की लकड़ी मिल जाएगा, आप उससे त्रिपुंड लगाएं और महादेव को भी लगाएं और अपने आप को भी लगाएं, इससे आपको काफ़ी जो है फायदा पहुंचता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहली बात तो देखिए कि ये चंदन की लकड़ी हो गई और आपको एक ऐसे शिला लाना होगा पत्थर का जिस पे आप चंदन को घिसिएगा। तो चंदन को घिसने से कैसे आप घिसते हैं चंदन को, एक कटोरी में थोड़ा जल लें और इसको भिगो लें इस तरीके से। और फिर आप देखते होंगे मंदिर वगैरह में, या नहीं आपने देखा है तो आप देखें। फिर इसको जो है आप यहाँ रखें और इसको थोड़ा सा इस पे जल डालें ऐसे, और इसको आराम आराम से जो है इसको इस तरीके से जो है आप इसको इस पे घिसें। और आप इसको जब जोर जोर से घिसिएगा तो इसमें से जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा चंदन निकल गया। देखिए इस तरीके का, ये बिल्कुल ओरिजिनल है और काफ़ी सुगंधित है, देखिए कितना खुशबू आ रहा है इसका। और ये त्रिपुंड जो है महादेव का अति प्रिय तिलक है, महाकाल का। और जो शिव भक्त होते हैं उनको समझाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो त्रिपुंड धारण करता है उनके पास सारे ज्ञान प्राप्त होता है। और हमारे पास जो अनुभव है हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमसे भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बालक हैं, छोटे बालक। तो हमारे पास जो अनुभव और ज्ञान है वो हम अपने मित्रों एवं भाइयों बहनों से जो है शेयर कर रहे हैं, मतलब उनको बता रहे हैं जितने हमारे पास अनुभव है। तो आप ये 2 उंगल का पहले इस्तेमाल करें ऐसे, इसको ऐसे ले लें, ये देखिए पहले आप ये 2 उंगल लें, ऐनक जरूर रखें, ये देखिए 2 उंगल में ये एक, ये वाला एक ये वाला, इसको बराबर कर लें। शीशा की आपको आवश्यकता पड़ेगा तो आप इस तरीके से जो है
आप मंत्र भी बोल सकते हैं, नमः शिवाय। आप इस तरीके से जो है करके आप लगा सकते हैं। लास्ट में आप इसका इनका इस्तेमाल करें या बड़े वाले उंगली का इस्तेमाल करें। आप ऐसे इस तरीके से करके जो है बड़े वाले उंगल में लगा के जो है ये आप ऐसे लगा सकते हैं। ये बिल्कुल बढ़िया जो है आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से लग गया है। और जब ये सूखता है तो बहुत बढ़िया आपको जो है ये तिलक देखने में नजर आता है। अभी ये गीला है तो ये जब सूख जाएगा तो देखिएगा कि बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, लाल चंदन तो अभी हमारे पास फिलहाल है नहीं, तो थोड़ा सा हम सिंदूर का प्रयोग करेंगे ताकि ये जो हमारा त्रिपुंड है इसका स्वभाव और बढ़ जाए। तो हम ये देखिए इस तरीके से जो है त्रिपुंड धारण करते हैं और थोड़ा सा आप यहाँ भी लगा सकते हैं कान में। तो आपने देखा कि मैं आपको ओरिजिनल चंदन की लकड़ी और बाकी ये पत्थर और आप ये देखा कि लाल चंदन की ये लकड़ी थी, तो किस तरीके से हम जो है इसको इस पे खूब घिसाई किए और फिर ये घिसने से जो है ये काफ़ी अच्छा हमें चंदन का लेप जो है इस पे मिल गया और हमने जो है इससे त्रिपुंड धारण किया है। आप भी महादेव के भक्त हैं और आप भी त्रिपुंड धारण करना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया कि पहले जो है आपका अगर तीन उंगल काम करता है एक साथ तो आप एक साथ भी खींच सकते हैं, अन्हें तो पहले ये फिर बाद में इससे लेके जो है आप धारण कर सकते हैं। बीच में एक सिंदूर का जो है आप तिलक लगा दें, इससे जो है त्रिपुंड जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये देखिए धीरे धीरे सूखता जा रहा है और ये जब सूख जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा कि आप चंदन का जो है ओरिजिनल ही तिलक धारण करें। इससे आपका मस्तिष्क जो है बिल्कुल ठंडा रहता है और आपको कोई भी चिंता फिक्र या टेंशन नहीं रहेगा। हर हर महादेव।